बैक वाली वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे YouTube पे शॉर्ट वीडियो अपलोड करके महीनों के लाखों रुपए कमा सकते हो। अब ये मैं ही नहीं कह रहा, आप लोग को YouTube पे भी बहुत सारे बंदे लाखों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ उसमें शॉर्ट वीडियो अपलोड करके। पॉडकास्ट वीडियो होता है ना, उसका वो लोग पार्ट काटते हैं एंड उसमें सबटाइटल लगाते हैं और उसको YouTube पे अपलोड करके आपको लाखों रुपए कमाते हैं, ठीक है। और उसका कॉपीराइट भी उसको नहीं पड़ता है, वो सब आपको बताऊंगा। एंड पॉडकास्ट कैसे शॉर्ट को क्रिएट करना है एंड उस पर जो सबटाइटल्स लगते हैं वो आप कैसे लगा सकते हो, वो भी मैं आपको दोनों ही चीज़ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। कर सकते हो पूरा चीज़ आज के इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली सिखाने वाला हूँ। एंड ये जो बैकग्राउंड देख रहे हो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। चेंज हो गया ना, तो इसी तरीके से चेंज कर सकता हूँ। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ो। तो चलो यहाँ पर मैं आपको एडिटिंग कैसे करना है सबसे पहले वो मैं बताऊँगा। तो आपको एडिटिंग करने के लिए उससे पहले आपको वीडियो को डाउनलोड करना है। यहाँ पर मैं आता हूँ यूट्यूब पे एंड यूट्यूब पे आने के बाद यहाँ पर से मैं सर्च करूँगा एक पॉडकास्ट वीडियो जो कि यहाँ पर आप लोग को बॉबी देओल का है। तो अभी बॉबी देओल का काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉपर चल रहा है, तो आप लोग इससे पॉडकास्ट बनाओगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा वायरल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल से मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो को यहाँ पर शेयर करके आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा, मोर पे क्लिक करूँगा एंड मैं हेल्प लूँगा एक ऐप का जो कि स्नैप ट्यूब है, जो कि यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड इसको यहाँ पर से मैं मल्टीप्लाई करके एंड इसका क्वालिटी भी बढ़ा के मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर 1080p का, यहाँ पर 172 MB है, ठीक है। आपको इस तरीके से डाउनलोड करना है, मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पर दूसरा टिप्स ये है दोस्तों, ये बहुत ही गजब का टिप्स है, आप लोग जरूर इसे ट्राई करना। यहाँ पर आप लोग जब पॉडकास्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख लो आप लोग को एक ग्राफ जो है स्टार्ट हो रहा होगा एंड ये ग्राफ ये बताता है कि इस वीडियो को कितना ज़्यादा यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा देखा गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा गया है, सबसे ज़्यादा यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों जगह पर देखा गया है और भी ज़्यादा यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंगेजिंग बढ़ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप देख लो कितना है यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर टाइम भी देख लो आप लोग कितना चल रहा है, यहाँ पर 8:08 हो रहा है। तो यहाँ पर से आप लोग कट कर लेना काइनमास्टर में जाके एंड आप लोग को काइनमास्टर में एडिटिंग बताने वाला, बहुत ही अच्छा एडिटिंग बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर काइनमास्टर में ओपन कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर में। काइनमास्टर में आने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो है कोई भी फ्रेम यहाँ पर चूज नहीं कर सकते हो। यूट्यूब के लिए यहाँ पर टिकटॉक वाला चूज कर लेना, ये भी बहुत ही बेटर है एंड बहुत सारे बंदे अलग अलग बताते हैं, ओके। एंड आप लोग को इस पर क्लिक करने के बाद जो आपने पॉडकास्ट डाउनलोड किया है उसको यहाँ पर ऐड कर देना। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं आया था नीचे। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग को जितने टाइम में हम लोगों ने देखा था वहाँ पर वीडियो कि ग्राफ्स जो है अप हो रहा है, मतलब कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बंदे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग उसी टाइम का कट करेंगे। कितना था, 8 मिनट का और 8 सेकेंड था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसी टाइम पर जा रहे हैं एंड यहाँ पर इसको वहीं से कट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ उसी टाइम पर एंड ये देखो इस तरीके से जो है कट करना है। सबसे पहले तो मैं अच्छे से इसको देख लेता हूँ। इसको अच्छे से देखने के बाद आप लोग कट करना कि ये बंदा जो है पूछ क्या रहा है बॉबी देओल से, ठीक है। ये देखो इस तरीके से एज ए आप लोग को इस तरीके से कट करना है। यहाँ से पूछना स्टार्ट किया बंदे ने, अब यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पर आप लोग को इस तरीके से देखना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा पीछे करूँगा एंड यहाँ पर कट लगाऊँगा। कट लगाने का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसका फुल फ्रेम करके इसको इस तरीके से कर लो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बीच में लाओ इसको, थोड़ा सा बीच में लाओ ताकि पॉडकास्ट जो है देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा प्ले कर देता हूँ, देखो अभी तो यहाँ पर कैप्शंस नहीं चल रहा है इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपको कैप्शन लगा के दिखाऊंगा सबटाइटल्स। ये देखो इस तरीके से बॉबी देओल का आया, तो फिर से मैं बॉबी देओल के ऊपर यहाँ पर कट लगाऊंगा। अच्छे से देख कर आप लोग यहाँ पर जो है कट लगाना, ठीक है। आपको पूरा प्रॉपर वीडियो बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर कट लगाना है, कैसे क्या करना है, पूरा प्रॉपर बता रहा हूँ। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इस तरीके से करना है और इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना है कि करेक्टर जो है यहाँ पर बीच में रहना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे फिर बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो बंदा है फिर आया, तो यहाँ पर से मैंने कट किया। तो पहले फटाफट से मैं कट करके आप लोग को दिखाता हूँ इसी तरीके से कट करना है। एंड यहाँ पर आपको प्ले करके देन आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैंने जो है कैसा कट किया है। एंड आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपका जो करेक्टर है ना ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए ताकि आपको जो है अट्रैक्टिव लगे देखने में, नहीं तो साइड वाइड में रहेगा ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कैसा है ये। देख लो यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ पर ये ऐसे रह गया, ठीक है ना। तो इसको मैं
कट को भी यहाँ पर मैं इसे बीच में ले आता हूँ ऐसे, क्योंकि वहाँ पर लाइन जो है बोला जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको भी अच्छे से कवर करना है आपको। एंड ये देखो हो चुका। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको इस पर एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद इसको हाई रेजोल्यूशन करूँगा, पूरा हाई और 60 FPS कर देना है, 1080p पे आपको इसको वीडियो को सेव कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपने जो है वीडियो जहाँ पर क्रिएट कर लिया है काइन मास्टर से, आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है। लेकिन अब बारी आती है कि हम लोग सब टाइटल्स कैसे लगाएंगे उस वीडियो में। तो यहाँ पर एक .com मैंने ओपन कर रखा है, इस .com का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इजीली जाकर इसे चेकआउट कर लेना। एंड आपको यहाँ पर सबसे पहले साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, क्रिएट ए न्यू वीडियो। क्रिएट ए न्यू वीडियो पे यहाँ पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा, यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पर आ जाता है वीडियो आप कैसे एडिट करोगे कैसे नहीं एडिट करोगे, पूरा यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको साइड में ऑप्शन मिलेगा एक फाइल का, एंड यहाँ पर आपको इनपुट मीडिया का, इनपुट मीडिया पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक फाइल का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। एंड आपने जो काइन मास्टर से वीडियो यहाँ पर सेव किया था, ठीक है, बनाकर जो सेव किया था एडिट कर कर, यहाँ पर आ जाएगा। साइड में आने के बाद आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये वीडियो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ओके, आने के बाद आप लोग को करना क्या है, आने के बाद यहाँ पर आपको एक यहाँ पर कैप्शंस का ऑप्शन मिल जाता है, ये लिखा हुआ है कैप्शंस, यहाँ पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। अब आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टर्न ऑन ऑटो कैप्शंस, तो इस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक कर दोगे यहाँ पर आपको वीडियो लैंग्वेज चूज करना है, जो भी आपका वीडियो है, आप जो वीडियो में लैंग्वेज डालना चाहते हो कैप्शंस का, आप वो इजीली यहाँ पर डाल सकते हो। एंड यहाँ पर मैं आपको इंडिया करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो इंग्लिश टू इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, जो कि इस बटन को क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इस पर जनरेट पर क्लिक करना है। इस बटन पर क्लिक करूँगा, जनरेट पर क्लिक कर दूँगा, हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रहा है हमारा, और प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर हमारा कैप्शंस बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरा वीडियो जो है रेडी हो चुका हुआ है, कैप्शंस भी यहाँ पर लग के रेडी हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को लैंग्वेज जो आपने कैप्शंस लगाया है उसका आप लोग इमोजी मतलब स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग वो भी ऑप्शन मिल जाता है आप लोग को देखने के लिए। यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो इस सभी पर आप लोग क्लिक कर देना, आप लोग जैसे चाहे वैसे जनरेट कर सकते हो, साइज छोटा बड़ा करना चाहो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, आपका जैसा वीडियो वैसे कर लेना। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ये सब मिल जाता है, तो ये सब पर जैसे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा बड़ा इधर उधर कर देता है आपके टाइटल को। ओके, टाइटल इस तरीके से होने के बाद अब आप लोग को करना है क्या है कि यहाँ पर हमें वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे एंड आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री में है, यहाँ पर 1080p 720 और 480, ठीक है। तो आप लोग को इस तरीके से मिल जाता है, तो यहाँ पर 1080p ये बहुत ही बेस्ट होता है और सभी यूट्यूबर जो इसी पे वीडियो को सेव करते हैं और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। एंड यहाँ पर आपको सिंपल से क्लिक करना है, वीडियो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा।